हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। सो मैं आ गई हूँ एक ट्रेंडिंग व्हाट्सएप स्टेटस लेकर, जो कि हम अलाइट मोशन ऐप में बनाएंगे। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से वॉच करना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। एंड और क्या करना था, और अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं, इंस्टा का बिल लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज मैं इंस्टाग्राम पे अपडेटेड रहती हूँ। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट करें हम अपना वर्क जो है उसको स्टार्ट करते हैं बिना। और एक और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जो है वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर से वॉच करना, तभी आपको एक एक पार्ट जो है वो समझ में आएगा, अदरवाइज़ आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप वीडियो को बीच में स्किप करके अगर आप अपने खुद से बनाना स्टार्ट करेंगे वीडियो को, तो आपको समझ में नहीं आएगा एंड आपका स्टेटस वीडियो क्रिएट नहीं होगा, जैसे कि मैंने प्रीव्यू में आपको बताया है। ओके गाइस, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक प्रोजेक्ट का लिंक मिलेगा, उस प्रोजेक्ट का लिंक आपको इम्पोर्ट करना है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको ईजिली इम्पोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता इंपोर्ट कैसे करना है, मैं उसका एक वीडियो बनाकर शेयर कर दूंगी, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज़, यहाँ पे जैसे ही आप इसको इंपोर्ट करेंगे, सो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, एक लेयर पे जाना है आपको, और फिर उसके बाद जो है जिस भी फोल्डर में, ठीक है, जिस भी फोल्डर में आपके फ़ोटोज़ है, आपको जो है वहाँ से एक एक करके फ़ोटो को ऐड करते जाना है जिस भी फोल्डर में है, ठीक है। सो यहाँ पर जो है ना, सबसे पहले आपको क्या करना है कि मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर ओपन कर रही हूँ, और जिस भी फोल्डर में आपके फ़ोटोज़ हैं, आप उस फोल्डर से एक एक करके फ़ोटो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने फर्स्ट लेयर में फ़ोटो को ऐड कर दिया। अब यहाँ पे आपको डबल बीट मार्क मिलेगा, दैट मीन्स कि आपको फ़ोटो चेंज करना है, और आपको जो है 14 सेकेंड्स तक आपको एक ही फ़ोटो सारे लेयर्स में ऐड करते जाना है, ठीक है। ध्यान से देखना वीडियो को, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज़ आपको समझ में नहीं आएगा। सो यहाँ पर मैंने एक फ़ोटो को मैंने ऐड कर लिया। अगर आपको जानना है कि मैं जो फ़ोटोज़, जिस तरीके के फ़ोटोज़ मैं यूज़ करती हूँ, अगर आपको इस तरीके के फ़ोटोज़ आपको जानना है, मतलब मैं किस तरह से बनाती हूँ, तो नीचे कमेंट में ज़रूर से बताना, ठीक है। मैं आपको बहुत जल्द उसका वीडियो बनाकर शेयर कर दूँगी, ठीक है। सो आप ये इस तरह के फ़ोटोज़ बनाकर आप इंपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे चल रहा है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो को मैंने ऐड किया है, और फिर उसके बाद कलर एंड फिल्म में जाकर उस फ़ोटो को इंपोर्ट करना है। फिर अगेन इसी तरीके से लेयर पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल्म में जाना है, फिर नेक्स्ट वही सेम फ़ोटो ऐड करना है। इसी तरीके से आपको एक एक करके फ़ोटो ऐड करते जाना है, ठीक है। इसके बाद जो है आपको, अब मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, बट उसके लिए आपको वीडियो पे बने रहना है, तब जाकर आपको समझ में आएगा, अदरवाइज़ आपको समझ में नहीं आएगा। एंड मैंने पिछले काफ़ी सारे वीडियोस में काफ़ी बार बताया कि आप वन क्लिक में फ़ोटो को कैसे ऐड कर सकते हैं। सो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको लेयर पे क्लिक करना है, कॉपी लेयर करके उसके बाद बाकी सारे लेयर्स को आपको ड्रैग करके आपको पेस्ट स्टाइल में जाकर उसे पेस्ट कर देना है, ठीक है। सो वन क्लिक में सारे लेयर्स में आपकी फ़ोटो ऐड हो जाएगी। अगर आपको नहीं पता, आप मेरे पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, मैंने बहुत बार बताया, ठीक है। सो यहाँ पर मैं जल्दी से फ़ोटो को मैं ऐड कर लेती हूँ, और आपको भी इसी तरीके से फ़ोटो को ऐड करना है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लास्ट लेयर है, जो हमें सेम फ़ोटो ऐड करना है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेयर स्टार्ट हो जाएगा, दैट मीन्स कि आपको फ़ोटो चेंज करना है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो डबल बीट मार्क है वो स्टार्ट हो गया है, मीन्स आपको फ़ोटो चेंज करना है। अब यहाँ से आपको फ़ोटो चेंज करके आपको कहाँ तक लेकर जाना है, जहाँ तक भी हमारा डबल बीट मार्क रहेगा थर्ड वाला, ठीक है। सो अब यहाँ पर मैंने लेयर पे क्लिक किया, और अब यहाँ से मैं दूसरा फ़ोटो ऐड कर दूँगी, दूसरी फ़ोटो को मैं ऐड करूँगी। सो यहाँ पे मैं जल्दी से सेलेक्ट कर लेती हूँ फ़ोटो को। ओके, सो यहाँ पे मैंने फ़ोटो को सेलेक्ट कर लिया है, और फिर इसके बाद जो है इसको मैं ऐड करूँगी। अब इसी तरीके से आपको सारे लेयर्स में एक ही फ़ोटो ऐड करना है, जैसा मैं ऐड कर रही हूँ, बट मैंने इसमें पूरा नहीं बताया, बिकॉज वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, एंड फिर आपको वीडियो देखने में मज़ा भी नहीं आएगा, ठीक है।
जैसे कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट लेयर में मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे फ़ोटो को ऐड करना है सारे लेयर्स में, ठीक है। अब यहाँ से आपको इसी तरीके से एक एक करके फ़ोटो को ऐड करते जाना है हर एक लेयर में विद डिफरेंट फ़ोटोज़, ठीक है। हर जैसे ही आपका डबल बीट मार्क स्टार्ट हो जाएगा आपको फ़ोटो चेंज करना है। सो आप यह देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको स्टॉप कर दिया, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे जाऊँगी और आप देख सकते हैं हमारा जो डबल बीट मार्क है वो अगेन स्टार्ट हो गया। दैट मीन्स हमें थर्ड या फोर्थ फोटो है उसको हमें ऐड करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको एक एक करके ऐड करते जाना है, इन फ़ोटोज़ को ऐड करना है एक एक करके। अगर आप इस तरीके से अपना स्टेटस वीडियो क्रिएट करेंगे ना तो आपका स्टेटस वीडियो ना बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग बनेगा, ठीक है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे मैं फ़ोटोज़ को मैं ऐड कर लेती हूँ, ठीक है। मैं आपको तीन तीन लेयर्स पे जस्ट मैं रैंडमली मैं तीन तीन लेयर्स पे बता दूंगी कि आपको कैसे करना है, बाकी आपको खुद से अपने फ़ोटोज़ को ऐड करना है, ठीक है। इसके बाद जो है फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप ऐसा कुछ है ही नहीं, हमारी वीडियो जो है वो बन जाएगी। सो आपको क्या करना है, उसे इम्पोर्ट करना है, जस्ट खाली आपको एक्सपोर्ट करना है और अपनी गैलरी में उसको सेव करना है। सो इसी तरीके से आपको वीडियो क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी से फ़ोटोज़ को मैं ऐड कर लूँ, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप न्यू हो, और वीडियो को लाइक भी कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो। और अगर आपको कोई भी सजेशन देना है या अगर आप चाहते हैं कि किसी भी सॉन्ग के ऊपर मैं वीडियो बना कर लूँ तो आप वो भी नीचे कमेंट में ज़रूर से बताना। एंड अगर आपको लिरिकल वीडियोस चाहिए, ब्लैक स्क्रीन लिरिक्स वाले वीडियोस भी चाहिए तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, ठीक है। मैं बहुत जल्द एक लिरिकल वीडियो लेकर आने वाली हूँ। एंड अभी आपको आगे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस मिलेंगे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो। ओके, सो गाइस यहाँ पे मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था और मैं यहाँ पे फ़ोटोज़ को मैंने ऐड कर दिया था, और अब मैं एक बार आपको प्ले करके दिखा दूँगी क्योंकि मैंने सॉन्ग को म्यूट किया हुआ है ताकि कॉपीराइट क्लेम बिल्कुल भी ना आए। सो आप देख सकते काफ़ी अमेजिंग है, मस्त बनी है हमारी वीडियो जैसे कि हमने प्रीव्यू में बताया है आपको। सो आप इस तरीके के स्टेटस वीडियो क्रिएट करके इसको अपलोड कर सकते हैं अपने स्टेटस वीडियोज़ पे, इंस्टाग्राम रील्स पे, फेसबुक रील्स पे, जहाँ भी आपको अपलोड करना है वहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। सो कैसा लगा आपको आज का हमारा वीडियो नीचे कमेंट में ज़रूर से बताना। चैनल पे नए तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और अब हम इसे एक्सपोर्ट करेंगे HD क्वालिटी में। तो अब ये एक्सपोर्ट हो जाएगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे एक्सपोर्ट होने के लिए। तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं, बस आपको वेट करना है वीडियो एक्सपोर्ट हुए तक। एंड जैसे ही हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी तो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। सो कैसा लगा आपको वीडियो नीचे कमेंट में ज़रूर से बताना। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी।